टीचर इतनी कमज़ोर है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो कैसे बच्चों को पढ़ा पाएगी, कैसे बच्चों को गाइड कर पाएगी, और क्या सही रूप में शिक्षण हो पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेंट आए, बच्चे उनकी क्लास से संतुष्ट ना हों? लेकिन जब हम उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन करा, और ज्वाइन करने के बाद जब मैंने क्लास को विजिट करा और मैंने देखा कि किस तरीके से बच्चों को वो इंटरैक्टिव मेथड से और अपने फिंगर्स का और अपने फेशियल एक्सप्रेशन का यानी कि गेस्चर्स का, हैंड्स का के हेल्प से वो बच्चों को अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली शामिल कर लेती हैं और उनका जो मेंटल मैथ्स को पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही एक्सेलेंट है। और धीरे धीरे हमें बच्चों से और पेरेंट्स से फीडबैक मिलने लगी कि हमें मैडम से ही पढ़ना है और किसी टीचर से नहीं, और स्पेशली मैथ्स में उनकी बहुत ही अच्छी कमांड है। इसके अलावा साइंस भी बहुत अच्छी तरह पढ़ाती हैं, क्योंकि साइंस में भी वो, क्योंकि उनके जीके और सराउंडिंग का नॉलेज बहुत अच्छा है, तो साइंस के भी किसी भी टॉपिक को वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ऐड करके क्लास में बच्चों के सामने प्रस्तुत करती हैं। तो डेफिनेटली बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है और बच्चे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि हर बच्चे को नाम से बुलाना, हर बच्चे को एक स्माइल के साथ इंक्लूड करना और मौका देना कि वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, और इससे हर बच्चे के अंदर बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी आई है। हर बच्चा ये चाहता है कि मुझे अपने टेक्स्ट बुक कंटेंट के अलावा सराउंडिंग का नॉलेज भी बहुत बहुत ज़रूरी है अगर जीवन के अंदर हमें आगे करना है। साथ ही साथ इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताऊंगा, क्योंकि उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए बच्चों के अंदर भी में भी वो चीज़ एक ऑनेस्टी, एक इंटीग्रिटी की भावना, ईमानदारी से अपने कार्य को करने की भावना, ये सब जो वैल्यूज हैं जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, उनके उसका भी विकास हुआ। तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको इस उपलब्धि के लिए अपने विद्यालय के सभी शिक्षक गणों की तरफ से मैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि KVC में इतना अच्छा करा। और उन्होंने जो आगे कहा है कि मेरा प्रयास है कर पाऊँ, ये विद्यालय के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस तरीके के एक प्रोजेक्ट पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट को हमने अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में भेजा भी है KV No. 1 आगरा से कि मैडम एक दिव्यांग बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाह रही हैं, जहाँ पर जितने भी दिव्यांग बच्चे पूरे हमारे ऑल ओवर इंडिया में हैं उनको एक ID के द्वारा जोड़ा जाए, और उसमें फिर अलग अलग विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए हम किस तरीके से मोबाइल के अंदर टॉक बैक सिस्टम होता है उसके थ्रू कैसे पढ़ा सकते हैं, जहाँ पर कोई भी कंटेंट अगर व्हाट्सएप पर भी